Good morning, kids. Hi, sir. How are you? I am fine, thank you. आज हम पढ़ने वाले हैं ये which festival comes first, मतलब कौन सा त्यौहार पहले आता है। अब कौन सा त्यौहार पहले आता है इसका पता हमें क्या, हमने चलेगा महीनों से। सबसे पहले कौन सा महीना आता है? जनवरी, मार्च, अप्रैल और लास्ट में दिसंबर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कुछ इन्होंने क्या है, जो फेस्टिवल्स हैं हमारे उनके नाम लिखे हुए हैं। क्या आप बता सकते हो कुछ फेस्टिवल्स के नाम हमें, त्योहारों के? बताओ। रक्षाबंधन, ठीक है, ये हमारे त्योहार हैं। और हमारे कुछ राष्ट्रीय त्योहार भी होते हैं, गांधी जयंती। हाँ, और हाँ बोलो बोलो, चिल्ड्रंस डे। ये चिल्ड्रंस डे वैसे हमारा नेशनल फेस्टिवल नहीं होता, एक हमारे दो फेस्टिवल्स हमारे और होते हैं, एक 15 अगस्त को होता है और एक 26 जनवरी को। ठीक है, गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो ये नाम लिखे हुए हैं, जैसे दिवाली था, दिवाली कब था? दिवाली पढ़ो, 7 नवंबर। पोंगल 14 जनवरी। रक्षाबंधन अगस्त। गांधी जयंती 2 अक्टूबर। अब देखो ये जो नाम लिखे हुए हैं, अब आपको बताना क्या है कि जैसे जो दिवाली है ये कौन से दिन थे। अब एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? एक हफ्ते में 7। ठीक है, संडे मंडे। अब आपने कैलेंडर को देखना है, कल हमने कैलेंडर देखा था। यस सर। उस कैलेंडर को देख के आपको ये बताना है कि दिवाली कौन से दिन आई। अब दिवाली पहले कौन से दिन थी? 7 नवंबर। अब देखो, अब कैलेंडर में देख के आपको ये बताना है कि 7 नवंबर को कौन सा डे था। अब नवंबर कहाँ पे ले? अब 7 नवंबर को देखो कौन सा था। हाँ ये है 7, और कौन सा था उस दिन बताओ, 7 को कौन सा डे था? वेडनेसडे। वेरी गुड, कौन सा? वेडनेसडे। यहाँ पर हम क्या भरेंगे? वेडनेसडे। अब दूसरा त्यौहार है हमारे पास क्या? पोंगल। पोंगल, ठीक है। पोंगल भी एक त्यौहार होता है जब हमारी फसल हो जाती है ना, जब जैसे तुम खेती करते हो तो खेती जिस दिन हमारे खेत की जो फसल होती है वो पक जाती है, उस दिन पोंगल त्यौहार मनाया जाता है। ये मनाया जाता है पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है ये त्यौहार। ठीक है, लगभग सब स्टेट्स में मनाया जाता है। अब देखो कब थी ये? 14 जनवरी। अब 14 जनवरी को ढूंढो जरा कौन सा डे था। 14 जनवरी संडे। कौन सा? संडे। ठीक हो गया। अब रक्षाबंधन कब है? 26 अगस्त। वेरी गुड। अब 26 अगस्त को देखो कौन सा था? संडे। अब है गांधी जयंती। गांधी जयंती कब है? 2 अक्टूबर। अब 2 अक्टूबर को ढूंढो जरा। ट्यूजडे। कौन सा? ट्यूजडे। ये आने वाली है। अब है मिलादुल नबी, ये मुसलमानों का एक त्योहार है। कब है ये? 21 नवंबर। कौन सा? ठीक हो गया, ऐसा भी सारे बढ़ सकते हो देख के। अब देखो इसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन और है कि अरेंज द फेस्टिवल्स इन द ऑर्डर इन विच दे कम इन द एयर। ठीक है, अब वो बोल रहे हैं इनमें से जैसे जो ये त्योहार है, ठीक है, अब वो बोल रहे हैं कि कौन सा त्योहार इनमें सबसे पहले आया होगा। दीपावली। ये तो इस लिस्ट में है, वो हमको किस हिसाब से पता चलेगा? मैंने बोला था ना आपको मंथ के हिसाब से पता चलेगा, कैलेंडर के हिसाब से। अब देखो इसमें सबसे पहले कौन सा त्यौहार आया होगा? जनवरी। हाँ, अब जनवरी भी 2 है। अब देखो जनवरी का एक ये है और एक ये है। अब बताओ कौन सा पहले आया होगा? हाँ, तो क्या नाम है उस त्यौहार का बताओ? 14 तारीख को पोंगल। कौन सा? पोंगल। अब दूसरे नंबर पे, दूसरे नंबर में ये जनवरी का क्या है? गुरु रविदास बर्थडे। गुरु रविदास बर्थडे। ठीक हो गया। अब देखो अब जनवरी के बाद कौन सा महीना आता है? जनवरी में फरवरी। फरवरी, अब देखो फरवरी का कोई है नहीं यहाँ। अगस्त। अब देखो फिर देखो मार्च, एक एक करके देखो ना, मार्च का कोई है? फिर अप्रैल का कोई है? हाँ, अब देखो ये, अब अप्रैल का ये त्यौहार है, कौन सा त्यौहार है पढ़ो? बिहू। कौन सा? बिहू। बिहू भी एक फेस्टिवल होता है जो कि कहाँ मनाया जाता है? असम में। असम की राजधानी कहाँ है? दिसपुर। अब देखो ये अप्रैल के बाद क्या आता है? अप्रैल मई। अब देखो मई का कोई है? नो। जून। जून जुलाई। नहीं। अगस्त। यस।
अब देखो अगस्त के दो हैं, एक ये है और एक ये है, अब कौन सा पहला आया होगा? ये वाला। हाँ तो क्या नाम है? पढ़ो वाला है। पढ़ो अगस्त 25 का ये। ओनम। ओनम ओनम ठीक है, ये केरल का त्यौहार है ओनम। केरल की राजधानी कहाँ है? तिरुवनंतपुरम। वेरी गुड। अब देखो 25 के बाद क्या आया होगा? 26। क्या था इस दिन? रक्षा बंधन। अब अगस्त के बाद कौन सा आता है? अगस्त। अगस्त सितंबर आता है, सितंबर का कोई है नहीं यहाँ। अक्टूबर। अक्टूबर हाँ। क्या है? गांधी जयंती। वेरी गुड, गांधी जयंती। जयंती हो गया। अब क्या आता है अक्टूबर के बाद? नवंबर। अब देखो नवंबर के भी फिर दो हैं, एक ये है और एक ये है, अब कौन सा पहले आया होगा? हाँ क्या था वो? पढ़ो उसको। दिवाली। दिवाली और दूसरा ये गुरु नानक बर्थडे। ठीक है, गुरु नानक बर्थडे। अब लास्ट में दिसंबर है, अब दिसंबर में 25 दिसंबर को क्या था? 25 क्या होता उस दिन? 25 दिसंबर क्रिसमस। क्रिसमस क्रिसमस डे। ठीक है, अब देखो इस लिस्ट को देखिए, सबसे पहले ये बताना कि विच फेस्टिवल कम्स इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर। सबसे पहले कौन सा त्यौहार आया आप साल में? सबसे पहले दीपावली। नो क्या है ये? ना पढ़ो। पोंगल। पोंगल कौन सा? पोंगल। विच फेस्टिवल कम्स एट द एंड ऑफ द ईयर। सबसे लास्ट में कौन सा आया? सबसे लास्ट में क्रिसमस। कौन सा? क्रिसमस। ठीक हो गया, समझ में आई? कर लोगे ना आप? चलो एक और करते हैं, जैसे बिहू कौन से दिन मनाया था हमने? वो कह रहे नहीं, बिहू कौन सा डे पे है? 15 अप्रैल। 15 अप्रैल को देखो कौन सा दिन है? 15 अप्रैल। अब ऐसे इसको सारा भर लोगे ना? यस सर। चलो ओके।